शिखर भाई की इंजरी पे वो क्या ठीक है अभी? प्लीज शिखी भाई थोड़ा शोल्डर पे उनको फिजियो से पता लगेगा अभी। दोस्तों शिखर धवन को लगा है चोट, आप जानते हैं आरसीबी के साथ जो दिल्ली कैपिटल्स का लास्ट मैच था यानी 8 अक्टूबर को, वहां पर शिखर धवन के साथ हुआ था यह हादसा। या दोस्तों शिखर धवन इसके लिए क्वालिफायर वन में नहीं खेल सकेंगे मैच। या दोस्तों मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, इसके लिए आपको जरूर रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में। दोस्तों शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अच्छा इस बार कर रहे हैं और टॉप 5 में, मतलब आईपीएल की टॉप 5 रन गेटर्स में आता है इस बार 2021 साल में शिखर धवन। तो शिखर धवन के बिना खेलना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत लॉस होगा। और सीएसके के साथ जो क्वालिफायर वन में मैच होगा, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, वो मैच अगर जीत जाएगा दिल्ली कैपिटल्स तो चला जाएगा डायरेक्ट फिनाले पे। या दोस्तों प्ले ऑफ में पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के बाहर रह सकता है शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों आरसीबी के साथ जो मैच चल रहा था उस मैच में शिखर धवन को बॉल आकर लगा लेफ्ट हैंड में। जी हाँ दोस्तों लेफ्ट जो बाजू होता है, बाजू में लगा है बॉल एल्बो के थोड़ा नीचे सामने दिख पे। तो उसके बाद शिखर धवन को जो फिजियो है उन्होंने आकर ट्रीट किया, वो इमीडिएट ट्रीटमेंट था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में हो गए थे आउट और वे जाकर बैठे डग आउट में दिल्ली कैपिटल्स के जगह पर। लेकिन दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में शिखर धवन ने मैदान पे नहीं उतरा और मैदान के बाहर ही बैठा रहा हाथ में पट्टी बांधकर। जी हां दोस्तों, और इससे ही सब लोग समझ जाएंगे कि शिखर धवन के हाथ में है चोट और ये इंजरी के कारण शिखर धवन हो सकता है बाहर, उसी दिन सब लोग कह रहे थे। और दोस्तों आप जानते ही है मार्कस स्टोइनिस ऑलरेडी इंजर्ड है दिल्ली कैपिटल्स के, वहां पर अगर शिखर धवन भी इंजर्ड हो गया तो बहुत इशू हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन हाथ में इतना बड़ा चोट लेकर आईपीएल की ये मैच बहुत टेंशन वाली बात होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास दो मौके होंगे, अगर ये मैच हार भी जाए तो एक और मौका रहेगा। तो वहां पर शायद दिल्ली कैपिटल्स अच्छा खेल ले तो शिखर धवन को क्वालिफायर वन से बाहर रख सकता है दिल्ली कैपिटल्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शिखर धवन इस मैच में अगर नहीं खेला तो दिल्ली कैपिटल्स को क्या नुकसान होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।